हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ आम का एक ऐसा अचार जिसे आप बिना धूप लगाए बिना सुखाए बनाकर तैयार कर सकते हैं। और देखिए, इसमें मैं आप लोगों को एक ट्रिक दूंगी जिससे आप इसे स्टोर करके सालों साल तक रख सकते हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं होगा आपका ये अचार। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो। तो यहाँ पर मैंने आम को ले लिया है, कच्चा आम मैंने यहाँ से लिया था 1 किलो के करीब। तो देखिए फ्रेंड्स, हमें इसे क्या करना है, आम को इस तरह से थोड़ा सा पानी डालना है और इसे इस तरह से धुल लेना है। आम को आपको अच्छी तरह से धुलना है। इसमें जो इसका पीव होता है उसे आपको बिल्कुल निकाल देना है। इसे इस तरह से आपको अच्छी तरह से यहाँ से धुल लेना है। तो जैसे ही आम आपका यहाँ पर धुल जाएगा, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगी किस तरह से आपको इस अचार को आगे बनाना है। तो देखिए, इसे मैं अच्छी तरह से यहाँ से धुल लेती हूँ। पहले हम इसे धुलेंगे, 3 से 4 बार हम इसे अच्छी तरह से यहाँ से धुल लेंगे। तो हमने क्या क्या, इसे धुलने के बाद में आपको इस तरह से इसे 5 मिनट के लिए पानी में डाल देना है। और पानी में डालने के बाद इसे आपको निकाल लेना है। सिर्फ 5 मिनट के लिए ही आपको धुलकर इसे पानी में छोड़ना है। तो इससे क्या होगा, इसको जो पीव है वो बिल्कुल निकल जाएगा, वो बाद में नहीं बाहर आएगा। तो मैंने यहाँ से इसे देखिए निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसे इस तरह से एक बर्तन में करते हैं और यहाँ से इसे साइड रखेंगे। और यहाँ एक बर्तन ले लेना है आपको। आप चाहे तो यहाँ पर इसी प्लेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं इसी का इस्तेमाल करूंगी। और इसका आपको बिल्कुल पानी को पोंछ लेना है, यहाँ से पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड होना चाहिए इसमें। अब हम क्या करेंगे, जो हमने आम को लिया है, आम को आपको इस तरह से पोंछ लेना है। इससे क्या होगा, इसका पानी बिल्कुल आपका आम का खत्म हो जाएगा। तो आम के पानी को बिल्कुल आपको खत्म कर लेना है यहाँ से। मेरी आम पोंछ चुके हैं, इनका पानी अच्छी तरह से पोंछ लिया है मैंने। तो आपको क्या करना है, इसका इस सिरे को आपको कट करना है और कट करके आपको इसे इस तरह से साइड में रखते जाना है। सभी के आपको इस तरह से इस डंठले को हटा लेना है। जितना भी आपके पास आम है उसका आपको इस तरह से डंठला निकाल लेना है। तो यहाँ से सभी का डंठला मैंने निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, इसे 2 भागों में कट करेंगे। तो यहाँ से देखिए, आप देख सकते हैं, इसे इस तरह से आपको 2 भागों में कट करना है। जो भी इसका गुठली है, यहाँ से अभी आम ज्यादा पका हुआ हमारा नहीं है, तो इसमें इस तरह से कच्ची गुठली है, तो आपको इसे बिल्कुल अलग कर देना है यहाँ से। तो सभी आम को आपको इस तरह से कट करना है। मैं सभी आम को यहाँ से आपको कट करके दिखाऊंगी, इस तरह से 2 भागों में। आपको इससे क्या करना है, आम को चेक कर लेना है, आम पका हुआ तो नहीं है। अगर आपका आम पका हुआ है तो आपको उसे हटा देना है यहाँ से। आम को भी आपको कट कर लेना है इसी तरह से। तो यहाँ से मैं इस तरह से ही कट करूंगी इसे। सिर्फ आपको इसे 2 भागों में ही कट करना है, एक बार फिर बता रही हूँ। और इसकी आपको इस तरह से गुठली को निकाल देना है, आम चेक कर लेना है, अगर खराब है तो आपको हटा देना है आम को। तो यहाँ से सभी को आपको इसी तरह से कट कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको याद दिला दूं, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर जरूर करना, अपने फैमिली फ्रेंड्स में जरूर शेयर करना, करके जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो यहाँ पर ये आम पका हुआ निकल गया है, इसे हम हटा देंगे साइड में, और बाकी जो बचा है इसे कट कर लेंगे। जो भी देखिए, यहाँ से थोड़ा सा दगीला है, तो आपको क्या करना है, इसके दाग को आपको कट करके निकाल देना है। तो यहाँ से कट हो सकता है इस तरह से, तो आपको देख लेना है जैसा भी आपका आम है उसे आपको, अगर खराब है तो निकाल देना है, सही है तो आपको उसे इस्तेमाल कर लेना है। तो यहाँ से हमें लग रहा है ये भी पका हुआ है, तो उसे हमने साइड में कर दिया है। और यहाँ पर सभी को 2 भागों में कट किया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसे 3 से 4 भागों में आपको इस तरह से कट कर लेना है। तो मैं सभी आम को यहाँ से इस तरह से लंबा कट कर लूंगी। तो आपको इस तरह से देखिए लंबे पीसों में कट करना है। आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग कोई भी कटिंग कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ से थोड़ा सा इस तरह से इसे कट करूंगी। इससे क्या होगा, बहुत ही आसानी से हमारा ये अचार बन जाएगा और देखने में भी बहुत ही सुंदर लगेगा और खाने में बिल्कुल ही टेस्टी बनने वाला है ये अचार। तो आप लोग देखिए, इस तरह से मैंने इसे इस बर्तन में ट्रांसफर कर दिया है। अब मैं आपको मसाले दिखाती हूँ। तो मसालों में हमने यहाँ पर लाल मिर्ची, काली मिर्ची और थोड़ा हींग, थोड़ा सा यहाँ पर हल्दी पाउडर, सौंफ, थोड़ा सा अजवाइन और थोड़ा सा हमने यहाँ पर गर्म मसाला लिया, कलौंजी, नमक और थोड़ा सा ऑयल और थोड़ा सा मेथी दाना, हमने यहाँ पर सभी मसाले ऐड कर लिए हैं। सभी मसाले आपकी रसोई में है। और ये हमारा इसमें जाता है पिसा हुआ धनिया, तो हमने इसमें पिसा हुआ धनिया ऐड कर दिया है 1 चम्मच के करीब। पिसा हुआ धनिया भी हमें इसके अंदर जरूर ऐड करना है। तो यहाँ से मैंने 1 चम्मच धनिया को ऐड किया और यहाँ पर 1 चम्मच पिसा हुआ हमने सौंफ को इस्तेमाल करना है। इसमें आपको सौंफ को थोड़ा सा पीस लेना है और यहाँ पर साबुत 1 चम्मच
सौंफ और इसमें ऐड करेंगे। तो सौंफ हम इसमें 2 चम्मच के करीब कर रहे हैं और 1 बड़ा चम्मच हमने यहाँ पर मेथी दाने का लिया है। सभी को आपको इसमें ऐड कर लेना है। ये हमने 1 चम्मच के करीब जो छोटा चम्मच होता है उससे हमने यहाँ पर काली मिर्च का पाउडर लिया था, उसे भी इसके अंदर आपको ऐड कर देना है। अब इसके अंदर आपको 1/2 चम्मच के करीब हींग को ऐड कर देना है। तो यहाँ से मैंने हींग को ऐड कर देना है। थोड़ा सा इसके अंदर अजवाइन और थोड़ा गरम मसाला जा रहा है, उसे भी ऐड कर दिया है। थोड़ा सा यहाँ पर 1 चम्मच के करीब हम डालेंगे। यहाँ पर देखिए बड़ा चम्मच है तो हमने यहाँ पर 1 चम्मच के करीब कलौंजी को डाल दिया है। कलौंजी भी आपको जरूर ऐड करना है। राई आपको इसमें नहीं ऐड करनी है। और यहाँ पर हम 1 चम्मच के करीब ही लाल मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर। तो देखिए यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है। अब इसके अंदर हल्दी पाउडर जाएगा। हल्दी पाउडर आपको ज्यादा ऐड नहीं करना है, आपको नमक को ऐड करना है। तो नमक आपको यहाँ पर देख लेना है, जैसा आपने 1 चम्मच के करीब सभी चीजों को रखा है तो उसी हिसाब से आपको नमक को भी ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच के करीब इसमें नमक ऐड कर दिया है। सभी चीजों को आपको इस तरह से मिक्स कर लेना है। अब इसमें आपको ऑयल को नहीं ऐड करना है, पहले आपको सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है इसके अंदर। तो मैं सभी चीजों को यहाँ से मिक्स करके दिखाती हूँ आपको। इस तरह से आपको मिक्स कर लेना है सभी चीजों को। देखिए अभी मैं क्या करूंगी, यहाँ पर जो ऑयल इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर, मैं आपको इस ऑयल को गर्म करके इस्तेमाल करना नहीं बता रही हूँ। यहाँ पर आपको कच्चा ऑयल इसमें इस्तेमाल करना है, पका हुआ ऑयल आप इसमें इस्तेमाल मत करना। तो यहाँ पर मैंने कच्चा ऑयल ले लिया है, इसका हम यहाँ पर 4 चम्मच यहाँ पर ऐड कर देंगे इस ऑयल को। तो यहाँ पर हमने सरसों का कच्चा ऑयल ले लिया है, इसे 4 चम्मच के करीब आपको पहले ऐड कर देना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, इसे रखेंगे साइड में। तो इसे यहाँ पर आपको मिक्स कर देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये ट्रिक दे रही हूँ कि आप जब भी अपने अचार में ऑयल को इस्तेमाल करें तो देखिए उसे आपको कच्चा ही इस्तेमाल करना है, पका के ऑयल आपको बिल्कुल भी नहीं डालना है। अगर आप कच्चा ऑयल डालते हैं तो आपका अचार सालों साल चलेगा, बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो यहाँ से मैंने ऑयल को ऐड कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, जो बाकी का ऑयल बचा है उसे थोड़ा थोड़ा करके आपको इसके अंदर ऐड करते जाना है और इसे मिक्स करते जाना है। तो यहाँ से हमने 2 चम्मच के करीब ऑयल को और ऐड कर दिया है, इसे रख देंगे। अब इसको आपको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है यहाँ से ऑयल को। सभी हमारा यहाँ से जो आम था सभी के अंदर अच्छी तरह से मसाले ऐड हो चुके हैं और यहाँ पर अब आप देख सकते हो हमारा ऑयल बिल्कुल परफेक्ट है इसमें। अभी आपको इसमें चाहो तो आप इसमें ऑयल ऐड कर सकते हो, और अगर आप लोग ऑयल नहीं ऐड करना चाहते तो आप इसे स्किप कर सकते हो। मैं यहाँ पर इसमें ऑयल को ऐड करूंगी आगे चल के। थोड़ा सा आपको ऑयल करना है ऐड इसके अंदर, तो लेकिन आप चाहे तो यहाँ पर इसे स्किप कर सकते हो। मैं एक बार फिर बता रही हूँ, अगर आपको ऑयल ज़्यादा पसंद नहीं है तो आप इसे कम ऑयल में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से सभी को मिक्स कर लिया है। अब आप देख सकते हैं कलर बिल्कुल परफेक्ट आ चुका है अचार के अंदर। अब यहाँ से जो बाकी मसाला था हमारा उसे, और आपको जो ऑयल बचा था उसे आपको ऐड करके इस तरह से एक बार और मिक्स कर देना है। तो यहाँ से सभी अचार को मैंने मिक्स कर लिया है। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आज की ये रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। प्लीज़ पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करना, और फ्रेंड्स इसे शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना। मैं आपको बार बार याद दिला रही हूँ। और फ्रेंड्स जरूर बताना कमेंट करके आपको वीडियो कैसी लगी। तो यहाँ से अचार बनकर तैयार हो चुका है मेरा। आपको इसी तरह से अचार को बनाकर तैयार करना है, बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। मैं अभी आपको दिखाती हूँ, इसे यहाँ से लेना है। मसाला इसके अंदर अच्छी तरह से ऐड हुआ है नहीं हुआ है, तो देखिए ऑयल और मसाला अच्छी तरह से ऐड हो चुका है आम के ऊपर से। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए इस अचार को आपको रख देना है साइड में। अब मैं आपको एक बात दिखाती हूँ, यहाँ से जो इसका मसाला है उसे आप देख सकते हैं जो नीचे हो चुका है, उसे आपको इस तरह से मिक्स करके ऊपर लाना है। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोई भी खाली कंटेनर ले लेंगे, उसके अंदर आपको इस सारे अचार को भर देना है यहाँ से। तो सभी अचार को मैं यहाँ से इस कंटेनर के अंदर डालूंगी, और आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑयल हमारा बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें ज्यादा ऑयल हमने ऐड नहीं किया है। तो कंटेनर के अंदर डाल देना है अचार को। तो आप देखिए इस तरह से यहाँ पर अचार को बनाकर तैयार कर सकते हैं। सिर्फ 5 मिनट लगेंगे आपको इस अचार को बनाने के लिए, और आप इसे साल भर स्टोर करके रख सकते हैं। आपका ये अचार बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। आप एक बार बनाएंगे तो बिल्कुल बार बार बनाना चाहेंगे इस तरह से अचार। तो आज की आपको ये ट्रिक कैसी लगी, जो मैंने आपको सरसों के ऑयल वाली ट्रिक दी थी इस रेसिपी में, तो फ्रेंड जरूर बताना कमेंट करके। मैं आपसे बार बार बोल रही हूँ, प्लीज जरूर बताना कैसी लगी आज की आपको ये रेसिपी।
पसंद आई हो तो मैं एक बार फिर बोल रही हूँ, शेयर करना इसे मत भूलना।